भगवान श्री कृष्ण के 5 ऐसे बड़े छल जिनकी वजह से उन्हें छलिया कहा जाता है। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण को बहुत से लोग छली या कपटी भी कहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। राजनीति और युद्ध में कूटनीति का सहारा लेना कोई छल नहीं होता, लेकिन इसे लोग छल का नाम देते हैं। इसीलिए आज के इस खास वीडियो में हम आपको उन खास राजनीतिक और युद्ध की कूटनीतियों के बारे में बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनाई थी, यानी कि 5 ऐसे छल जो भगवान श्री कृष्ण ने किए थे। सबसे पहला था युद्ध से पहले ही अपने सभी विरोधियों को मरवा देना। भगवान श्री कृष्ण राजनीति और कूटनीति में बहुत ही बड़े महारथी थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से कई सारे शक्तिशाली योद्धा लड़े थे, लेकिन दर्जन भर से भी कुछ ज्यादा योद्धा थे जिन्हें पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने मरवा दिया था। उनमें से एक थे जरासंध, एकलव्य, काल्यवन, कंस, कीचक इत्यादि योद्धा। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा छल था कि उन्होंने कर्ण की वास्तविक शक्ति का पहले ही प्रयोग करवा दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण को कवच और कुंडल के बदले में इंद्र से एक वास्तविक शक्ति मिली थी, जिसका वो किसी भी योद्धा पर उपयोग करते तो उस योद्धा का मरना निश्चित था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण अर्जुन पर जरूर ये वास्तविक शक्ति प्रयोग करेंगे, इसीलिए उन्होंने पहले ही घटोत्कच का आह्वान करवा कर घटोत्कच पर ही कर्ण की उस वास्तविक शक्ति का उपयोग करवा दिया। उनका अगला सबसे बड़ा छल था गुरु द्रोणाचार्य को झूठ बोलकर उनका वध करवाना। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कौरव सेना की भागडोर और उनके सेनापति का जो स्थान था वो गुरु द्रोणाचार्य को मिला। गुरु द्रोणाचार्य को मारना बिल्कुल असंभव था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर रणभूमि में ये झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया तो गुरु द्रोणाचार्य अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर देंगे और ऐसे में उन्हें मारना बहुत ही आसान होगा, और ये झूठ उन्होंने स्वयं युधिष्ठिर से बुलवाया था, जिस वजह से गुरु द्रोणाचार्य भी वीरगति को प्राप्त हुए। अगला उनका सबसे बड़ा छल था कि दुर्योधन का शरीर पूरा वज्र का नहीं होने दिया। गांधारी ने बहुत समय से तपस्या कर रखी थी, जिस वजह से उनके नेत्रों में एक असीम शक्ति विद्यमान थी। युद्ध के अंतिम समय में उन्होंने दुर्योधन से कहा था कि वह पूरे नग्न अवस्था में उनके सामने आए, जिस वजह से वो अपनी आंखों की पट्टी खोले तो उनकी आंखों में समाहित सारी शक्तियां वो एक वज्र के रूप में दुर्योधन को प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण ने चाल खेली और उन्होंने दुर्योधन को लज्जित किया कि वो अपनी माता के सामने कैसे नग्न अवस्था में जाएंगे। इस वजह से दुर्योधन अपने मुख्य अंग में पत्ते लपेट कर गए, जिस वजह से उनका पूरा शरीर वज्र का नहीं हो पाया। और जब आखिरी युद्ध हुआ, यानी भीम और साथ ही दुर्योधन का युद्ध हुआ, तब भीम ने उनकी जांघ पर हमला कर उनका वध किया। अगला और आखिरी छल था कर्ण का छल पूर्वक वध करना। इंद्रदेव पहले ही छल पूर्वक कर्ण का कवच कुंडल ले चुके थे। ऐसे में युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण का रथ का पहिया भूमि में धंसा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो समय है जब तुम्हें कर्ण का वध करना होगा। उनके हाथ में विजय धनुष भी नहीं है और इसी समय उनका वध हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या भगवान श्री कृष्ण सचमुच एक छलिया थे या धर्म की स्थापना के लिए ऐसा करना उचित था? अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।